वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन सबको जय यीशु की। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज का विषय है पवित्र आत्मा। पवित्र बाइबल पवित्र आत्मा के विषय में अनेक प्रकार के विवरण हमें देती है, परंतु पवित्र आत्मा को समझना तब तक कठिन है जब तक कि स्वयं पिता ईश्वर उसे समझने में हमारी सहायता ना करे। इसलिए मैं आपके लिए संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 और उससे आगे पढ़ूंगा। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वह उसे ना तो देखता है और ना पहचानता है। तुम उसे जानते हो और पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, पवित्र आत्मा के विषय में स्वयं प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की कि यदि तुम मुझे प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो मैं पिता से निवेदन करूंगा कि वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करे जो कि तुम्हारी सहायता करे। और हम जानते हैं कि प्रभु का आत्मा सृष्टि के आरंभ से ही इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर, इस संसार में विद्यमान था। और उसी पवित्र आत्मा को जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ, हम जानते हैं कि वो पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतरा और भविष्यवाणी सुनाई पड़ी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। पवित्र आत्मा जो कि स्वयं ईश्वर की आत्मा है, ईश्वर की रूह है, जब वो हमारे अंदर आ जाती है तो हमारा स्वभाव, हमारे कार्य, हमारी समझ पिता ईश्वर के जैसे, प्रभु यीशु के जैसे होनी शुरू हो जाती है। और हम उन कार्यों को करते हैं जैसा कि स्वयं प्रभु यीशु उन कार्यों को करता था। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के विषय में जानना और उसके कार्यों को समझना अनिवार्य है। इसलिए मैं आपसे इन कुछ क्षणों में पवित्र आत्मा से संबंधित कार्यों पर मनन चिंतन करूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि ये मुझे और आपको पवित्र आत्मा के कार्यों को समझने में हमारी सहायता करेगा। सर्वप्रथम पवित्र आत्मा का कार्य यह है कि वह हम पर ईश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। जैसा कि मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा,
नबी यरमियाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं और वो तुम्हारे हित की योजनाएं हैं, अहित की नहीं। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। वो हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे, उसके आराधक, उसके भक्त, उसके शिष्य उसके सामर्थ्य को और चंगाई को अपने जीवन में अनुभव करें। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे हित की योजनाएं बनाता हूं, अहित की नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम फल उत्पन्न करो और मुझ में बने रहो। मेरी जो योजनाएं तुम्हारे लिए हैं वो तुम्हारे लाभ के लिए हैं, तुम्हारी उन्नति के लिए हैं। इसलिए मैं उन योजनाओं को तुम पर प्रकट करता हूं। नबी इसाईस का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 और 9 में प्रभु का वचन हमें इस प्रकार याद दिलाता है कि तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, वास्तव में ये बात सही है कि प्रभु के विचार हमारे विचार नहीं हैं। हम अपने लिए योजनाएं बनाते हैं। मनुष्य सुबह सोकर उठता है और दिन भर के लिए योजनाएं बनाता है। आप भी बनाते होंगे, मैं भी बनाता हूं। सुबह उठता हूं, मिसा बलिदान अर्पित करना और उसके बाद पूरा पेन से अपने डायरी में लिखना कि अब इतने वक्त मैं यहाँ पर जाऊँगा, इतने समय पर मैं ये कार्य करूँगा, इतने समय पर मैं ये घूमने के लिए जाऊँगा, और ये योजनाएं मैं और आप सुबह से लेकर शाम तक बनाते रहते हैं। प्रभु हमें उस धनी व्यक्ति के विषय में बताता है जिसने अपने जीवन और धन संपत्ति के लिए योजना बनाई और वो कहने लगा अब मेरे पास पर्याप्त है, मैं अपना अनाज बखारों में जमा करूंगा और उसे जीवन भर के लिए इस्तेमाल करता रहूंगा, अब मुझे किसी कार्य को करने की जरूरत नहीं है। और रात के समय प्रभु उसे स्वप्न में दिखाई दिया और उससे कहा रे मूर्ख, कौन सी योजनाओं की तुम बात करते हो, कौन सी धन संपत्ति की तुम बात करते हो जिसे तुम इन बखारों में जमा करना चाहते हो, आज रात ही तुझसे तेरे प्राण ले लिए जाएंगे, तो विचार करो ये धन, ये संपत्ति, ये शान शौकत किसकी होगी। वही बात प्रभु हमसे बताना चाहता है। ईश्वर का आत्मा ईश्वर की बातों को मेरे और आपके जीवन पर प्रकट करना चाहता है कि हमें कौन सी बातों को ध्यान देना अनिवार्य है, और ये जब तक पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा ना दे दे तब तक हम इनको समझ नहीं पाते हैं। और पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देता है, हमें बताता है, प्रभु की योजनाओं को समझने का हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए प्रभु कहता है यदि तुम पूंजी एकत्र करना चाहते हो तो स्वर्ग में एकत्र करो, वहां ना तो उसे कीड़े लगते हैं और ना ही चोर उसे चुरा सकता है। इस संसार में जमा किया गया धन जिसे कीड़े खाएंगे, सेंध लगेगी, चोर उसको चुरा कर ले जाएगा और वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें ईश्वर की इच्छा को अपने विषय में जानना अनिवार्य है और उसके लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर प्रार्थना करना अनिवार्य है। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 2 पद संख्या 10 से 12 में हमें बताता है कि ईश्वर के आत्मा के द्वारा हम पर सब कुछ प्रकट किया गया है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर का आत्मा हम पर उन सारी बातों को प्रकट करता है जो हमारे जीवन में घटित होने वाली हैं। एक उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। नबी दानियल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्या 6 में कि पवित्र आत्मा से भरकर नबी दानियल राजा नबूकदनेस्सर के महल में कार्य करता है और उसके स्वप्नों का उल्लेख करता है, व्याख्या करता है। जब राजा नबूकदनेस्सर नबी दानियल के इस सामर्थ्य और उसकी इस असाधारण प्रज्ञा को देखता है और उसे जानने का प्रयास करता है तो वो एक ही बात उससे कहता है कि दानियल, मैं जानता हूं कि तुम पर ईश्वर का आत्मा हमेशा छाया रहता है, तुम में उस सच्चे ईश्वर का आत्मा निवास करता है
जिसकी तुम आराधना करते हो, जिसकी तुम स्तुति करते हो, और वो सारे रहस्य तुम पर प्रकट करता है। नबी दानियल एक असाधारण मनुष्य था। पवित्र आत्मा उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो परिपूर्ण था, इसलिए राजा नबुकदनेस्सर के हर एक स्वप्न का अर्थ वो सच्चाई के साथ उसको बताता था। और राजा नबुकदनेस्सर इस बात से प्रभावित हुआ। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए ताकि नबी दानियल को, हनन्या को, मिशाइल को, अजरिया को उनके विश्वास से भटका सके, लेकिन उन्होंने इस काम के लिए हामी नहीं भरी। उन्होंने इस काम को करने से इनकार कर दिया और उनसे कहा कि हम अपने सच्चे ईश्वर की आराधना के सिवा और दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा नबी दानियल के जरिए, हनन्या, अजरिया और मिशाइल के जरिए उन बहुत सारे लोगों के जीवन में उदाहरण बन गए, सच्चे भक्त और सच्चे ईश्वर के भक्त बन गए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब हम आत्मा से भर कर प्रार्थना करते हैं, सच्चाई में रहते हैं, प्रभु से निवेदन करते हैं, तो वो आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, जैसा कि नबी दानियल के अंदर में उसने निवास किया और नबुकदनेस्सर के कठिन से कठिन स्वप्नों का हल उन्हें बताया, उनकी व्याख्या की, जिसका कि नबुकदनेस्सर के महल में कोई भी पंडित, कोई भी विज्ञानी, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति उन सपनों का उल्लेख नहीं कर पाया था। इसलिए इस बात को प्रभु कहता है नबी दानियल के द्वारा कि मैं जानता हूं कि तुम में ईश्वर की शक्ति अर्थात आत्मा निवास करता है और तुम सारे रहस्यों को समझते हो और मुझे बताते हो। एक दूसरी बात आत्मा के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आत्मा प्रार्थना में हमारी मदद करता है। प्रभु इस बात को भली भांति स्पष्ट करता है कि जब तक पवित्र आत्मा हमारी सहायता ना करे, तुम में से कोई भी यह नहीं कह सकता कि यीशु मसीह ही प्रभु है, जब तक पवित्र आत्मा इस बात को ना हमें समझाए। क्योंकि जब वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके ऊपर आता है और हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो हम खुद ब खुद उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु के वचनों को समझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए हमें इस बात को बताता है कि प्रभु पवित्र आत्मा का वरदान, अन्य भाषाएं बोलने का वरदान, लोगों को चंगा करने का वरदान, लोगों को सामर्थ्य देने का वरदान वो हमें प्रदान करता है। तो आत्मा प्रार्थना में हमारी मदद करता है। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 8 पद संख्या 26 और 27 में हमें बताता है कि आत्मा दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम इस वचन को किस तरह से समझेंगे कि आत्मा दुर्बलता में हमारी सहायता कैसे कर सकता है? अर्धांग रोगी के विषय में आप लोगों ने सुना है, जिसे प्रभु ने चंगा किया था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्धांग रोगी अपने आप में बिल्कुल असमर्थ था चलने फिरने के लिए। वो उठ भी नहीं सकता था, वो खाट पर पड़ा रहता था। लेकिन अब देखिए, पवित्र आत्मा से जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो किस तरह से उन चार व्यक्तियों को प्रेरणा देता है कि उठो और जाओ, उस अर्धांग रोगी की खाट उठाओ और प्रभु यीशु जो चंगा करता है उसके सामने उसको ले जाओ। यदि पवित्र आत्मा उन चार मनुष्यों को यह समझ ना देता, उन पर यह सामर्थ्य प्रकट ना करता, तो मैं नहीं समझता हूं कि वे उस अर्धांग रोगी को चंगाई दिला सकते थे। मैं यह भी जानता हूं और समझता हूं कि अर्धांग रोगी में शायद प्रभु यीशु के प्रति विश्वास ना हो, या उसने ऐसा कभी सुना नहीं होगा प्रभु यीशु के विषय में। परंतु उन चार लोगों के माध्यम से जिन्होंने उसकी खाट को उठाया और उसे ईसा के पास ले गए, जगह नहीं मिली। प्यारे भाई और बहनों, उनका विश्वास देखिए, जो पवित्र आत्मा ने प्रेरणा उन्हें दी कि घर के छत के खपटों को हटाएं, वहां से उसका मुंह खोलें और उसकी खाट को ईसा के सामने, जिस घर में वो बैठे थे, उस पर उतारें और उसके सामने रखें।
देखिए ईश्वर की इच्छा उस व्यक्ति के लिए जो अर्धांग रोगी था, प्रभु के लिए यह जरूरी था कि वो चंगा हो जाए, लोगों के बीच में ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। ये चार व्यक्ति उसे उठाकर लेकर जाते हैं। ये चार लोगों पर ईश्वर की इच्छा को आत्मा ने प्रकट किया कि ईश्वर चाहता है कि ये अर्धांग रोगी जो चल फिर नहीं सकता वो चले, वो फिरे, प्रभु में विश्वास करे और प्रभु की बातों पर विश्वास करे, प्रभु के वचन के सामर्थ्य के द्वारा उसके जीवन में उसकी महिमा हो जाए। ये कैसे पवित्र आत्मा दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 6 पद संख्या 18 में हमसे कहता है कि आप हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना करें और निवेदन करें, जिससे कि ईश्वर की इच्छा और सामर्थ्य आपके जीवन में पूरा हो जाए। और जब हम ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा बोलने में हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। तीसरी बात जो कि मैं आत्मा के विषय में, उसके कार्यों के विषय में आपसे बताना चाहता हूं कि आत्मा बोलने में भी हमारी मदद करता है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। मूसा की संहिता में लिखा गया था यदि कोई व्यभिचार करे तो उसको पत्थरों से मार दिया जाए, उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाए। और हमने सुना है कि इसी प्रकार एक पापिन स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसे लोग पत्थर मारते हुए ईसा के सामने से चले जा रहे थे और वो ईसा के सामने जाती है और वहां पर वो गिर जाती है, अपने आप को प्रभु के सामने प्रकट करती है और लोग ईसा से सवाल करते हैं और उनसे कहते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस स्त्री ने पाप किया है, इसने व्यभिचार किया है, इसलिए मूसा की संहिता के अनुसार इसे पत्थरों से मार देना उचित है। देखिए किस तरह से पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की सहायता करता है बोलने में। वचन इसके विषय में कुछ नहीं कहता है, लेकिन यदि हम इसे समझना चाहें तो यह हमारे लिए पर्याप्त है कि वचन प्रभु का इस तरीके से हमें वहां पर लिखा हुआ मिलता है कि प्रभु यीशु भूमि पर बैठे और उन्होंने अपनी उंगली से धरती पर कुछ लिखना शुरू किया और ईसा ने उनसे कहा जो तुम में से निर्दोष हो सबसे पहले वो इसे पत्थर मारे। और वहां से एक एक करके सारी की सारी भीड़ वहां से खिसक गई। ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों कि आखिर प्रभु को उस वक्त क्या प्रेरणा मिली जो कि पवित्र आत्मा ने उन्हें दी इतने लोगों के सामने उस व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के लिए उसके बचाव में इन बातों को बोलना। प्रभु यीशु का संबंध जब कभी भी यहूदियों और फरीसियों से हुआ, जब जब उन्होंने उनसे सवाल पूछे, हर बार प्रभु ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि किसी के पास उसका उत्तर नहीं होता था। कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि प्रभु का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ जब से उनकी सेवकाई शुरू हुई थी यरदन नदी में बपतिस्मा लेते हुए, तब से पवित्र आत्मा उनके साथ था, उनकी बोलने में सहायता करता था, समझने में उन्हें मदद करता था, कार्यों को करने में, सेवा करने में उनकी मदद करता था और सबसे ज्यादा बोलने में उनकी सहायता करता था। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 11, जब वे तुम्हें अदालत के हवाले करेंगे या अदालतों में तुम्हें घसीट कर लेके जाएंगे तो प्रभु कहता चिंता मत करो, तुम्हें शब्द दिए जाएंगे, तुम्हें बोलने का सामर्थ्य दिया जाएगा कि तुम्हें उस वक्त क्या बोलना है। यह स्वयं प्रभु का वचन है जो हमें याद दिलाता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 4, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। जब संत पौलुस प्रभु का वचन जब सुनाया करता था, लोग पवित्र आत्मा से भरते थे, वचन पर विश्वास करते थे और पवित्र आत्मा से भरकर उनके शिष्य भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, अपने अपनी भाषा में प्रभु का वचन समझते थे, अपनी अपनी भाषा में प्रभु के वचनों के रहस्यों को समझते थे और लोगों के साथ जाकर बांटते थे। एक बहुत अच्छा उदाहरण
सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं कि राजा दाऊद कहता है कि ईश्वर का आत्मा मेरे द्वारा बोलता है, उसकी वाणी मेरी जीभ पर हमेशा विराजमान रहती है। राजा दाऊद जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, उसने अपनी असमर्थता में, क्योंकि वो कमजोर था, हाड़ मांस का बना हुआ था, एक मनुष्य था, वो व्यभिचार कर बैठा, लेकिन उसके बदले में जब उसको पश्चाताप हुआ तो उसने पश्चाताप करते 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 घुटने टेक कर प्रभु से क्षमा मांगते मांगते अपने आप को उसे समर्पित किया। और जब प्रभु ने उसे छुआ तो उसने कहा कि ईश्वर का आत्मा मेरे द्वारा बोलता है और उसकी वाणी मेरी जीभ पर हमेशा बनी रहती है। और ये वरदान जब राजा दाऊद ने पश्चाताप किया और उसे यह दिया गया। एक चौथी बात आत्मा के कार्यों के विषय में मैं आपसे करना चाहता हूं कि आत्मा हमें दिशा प्रदान करता है, इसलिए हमें आत्मा से भरना काफी नहीं है, आत्मा से संचालित होना है। हमें प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझे आत्मा के सामर्थ्य से ना केवल भर परंतु उसके द्वारा मुझे संचालित कर और मुझे चला। गलातियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 5 पद संख्या 16 में हमसे कहता है कि आपका जीवन आत्मा के द्वारा संचालित होना चाहिए। प्रेरितों का कार्यकलाप वास्तव में पवित्र आत्मा का कार्यकलाप है। प्यारे भाई और बहनों, अब मैं इस बात को आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु ने शिष्यों को दर्शन दिया पेंतेकोस्त के दिन, पवित्र आत्मा को उनके ऊपर फूंक कर कहा कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो तुम्हें शांति मिले, तो वो पवित्र आत्मा से भर गए। और जब वो भर गए तो उसको उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, वो पवित्र आत्मा से संचालित होकर कार्य करने लगे। इसलिए प्रेरितों का कार्यकलाप में हम देखते हैं कि शिष्यों ने दूर दूर जाकर लोगों को प्रभु के वचन को सुनाया, बहुत सारे रोगियों को चंगा किया, पेत्रुस ने अर्धांग रोगियों को चंगा किया। प्रेरितों का कार्यकलाप इस विषय में साक्ष्य देता है। वास्तव में प्रेरित चरित्र पवित्र आत्मा का कार्यकलाप है जो कि शिष्यों के द्वारा लोगों के जीवन में संपन्न हुआ। इसलिए पवित्र आत्मा से भरकर शिष्यों ने उन सारे कार्यों को किया जिन कार्यों को स्वयं प्रभु यीशु किया करता था। अब आप पूछेंगे कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है या नहीं, इसके मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। गलातियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 5 पद संख्या 22 में हमसे कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को यह जानना है कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में है या नहीं, तो इस वचन को पढ़े कि पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारिता, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। यदि ये बातें और ये फल मेरे और आपके जीवन में नहीं है तो शायद हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। यदि कोई बीज बोया जाता है तो उस बीज का फल हमें मिलता है, और यदि पवित्र आत्मा का बीज या सामर्थ्य हमारे जीवन में बोया जाता है तो पवित्र आत्मा के फल क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों होना अनिवार्य है। और वो फल में, जैसे मैंने आपको बताया, संत पौलुस बताता है कि यदि पवित्र आत्मा आता है तो हमारे जीवन में प्रेम आना अनिवार्य है, सहनशीलता आना अनिवार्य है, दयालुता आना अनिवार्य है, ईमानदारी आना अनिवार्य है, सौम्यता आना अनिवार्य है, संयम आना अनिवार्य है। यह है पवित्र आत्मा के पहचान जो फलों के रूप में मेरे जीवन में चरित्रार्थ होती है। पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है। संत पौलुस इस बात को भी स्पष्ट करता है कुरिन्थियों को लिखते हुए पहले पत्र में अध्याय 12 पद संख्या 1-11 में कि पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है। कौन कौन से वरदान हैं? प्रज्ञा का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, चमत्कार दिखाने का वरदान, अन्य भाषाएं बोलने का वरदान, प्रभु के वचन की व्याख्या करने का वरदान जो
है वो पवित्र आत्मा मुझे और आपको देता है। और जब हम ऐसा करने में समर्थ होते हैं तो जान लीजिए प्यारे भाइयों और बहनों कि पवित्र आत्मा हमसे दूर नहीं, मेरे जीवन में वो विद्यमान है। और इस बात को अंगीकार करना अनिवार्य है। जब हम इस बात पर विश्वास करते और उसे अंगीकार करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में उपस्थित रहता है। अनेक नाम पवित्र आत्मा को दिए गए हैं। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 8 पद संख्या 9 में कहता है कि वो ईश्वर का आत्मा है। उसी वचन में वो हमें बताता है संत पौलुस कि वो क्रिस्त का आत्मा है, वो पिता का आत्मा है, वो सत्य का आत्मा है और वो प्रभु का आत्मा है जो मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। इसलिए हम इन बातों को समझें कि प्रभु का आत्मा ईश्वर की इच्छा को हमारे ऊपर प्रकट करता है, वो हमें दिशा प्रदान करता है, वो बोलने में हमारी सहायता करता है। और पवित्र आत्मा यदि मेरे और आपके जीवन में है तो इसका प्रमाण ये है कि पवित्र आत्मा के फल मेरे और आपके जीवन में फलवंत होने चाहिए और हमें पता लगेगा कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा विद्यमान है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे भाई और बहनों, हमने प्रभु का वचन सुना है, पवित्र आत्मा के विषय पर मनन चिंतन किया है, पवित्र आत्मा के कार्य जो मैंने संक्षिप्त रूप से आपसे बताए हैं कि पवित्र आत्मा हमें दिशा प्रदान करता है, ईश्वर की इच्छा हम पर प्रकट करता है, बोलने में हमारी सहायता करता है। हम इस विशेष वरदान के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इसमें हमारी सहायता करें। जितने भी लोग निराश हैं, जितने भी लोग टूट चुके हैं, जितने भी लोगों का जीवन बिखर गया है, प्रभु उन्हें सामर्थ्य प्रदान करे और ईश्वर के वरदान और फल हमारे जीवन में फलवंत बनाए। और इसी प्रार्थना के साथ आज के वचन पर मनन चिंतन करते हुए हम पूरा दिन व्यतीत करेंगे। इसलिए प्रभु की आशीष हम इस विशेष कृपा के लिए मांगे। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने तू आ जा, हे पावन आत्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। आमीन।